आज बनाएंगे मक्के का ऐसा स्नैक्स जो कि आपने आज तक कभी ट्राई नहीं करा होगा। और अगर आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई कर लेंगे तो यकीन मानिए आप इसके दीवाने हो जाएंगे। तो इसे बड़े ही नहीं बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैंने यहाँ पर एक कप मक्के रखे हुए थे, तो जो नॉर्मल हमें मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं वही मक्के का यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो एक कप मक्के लिए हुए हैं मैंने यहाँ पर, और एक पैन पे मैंने यहाँ पर पानी रख दिया है। पानी में जैसे अच्छे से बॉईल आ जाएगा तो मैंने यहाँ पर मक्के डाल दिए हैं। कॉर्न्स को यहाँ पर डालने के बाद हम इसे अच्छे से बॉईल कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो 2 से 3 मिनट बाद जब ये अच्छे से बॉईल हो रहे हैं तो मैंने बीच में एक बार चेक किया है कि ये सॉफ्ट हुए या नहीं। तो आप इसको अपनी फिंगर से इसको चेक कर सकते हैं कि ये अच्छे से सॉफ्ट हुए या नहीं। तो अभी इसमें थोड़ी सी कसर है तो मैं इसको 1 मिनट के लिए और बॉईल कर रही हूँ। 1 मिनट के लिए बॉईल करना है इसको और फिर से दोबारा से कि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर ये अच्छे से बॉईल हो गए हैं तो मैं यहाँ पर गैस का फ्लेम कर दूँगी बंद। गैस का फ्लेम बंद करने के बाद मैंने इसको अच्छे से छन्नी में छान लिया है और ठंडा कर लिया है। छन्नी में छानने के बाद मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर लिया हुआ है 3 से 4 चम्मच, 3 से 4 छोटे चम्मच है यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर लिया हुआ है। कॉर्नफ्लोर लेने के बाद मैंने यहाँ पर जो कॉर्न छान के रखे हुए थे वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। अब मैं डालूँगी इसमें नमक स्वाद अनुसार, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 टेबल स्पून डाला हुआ है यहाँ पर हल्का सा गरम मसाला और 1/2 चम्मच डाला हुआ था मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कॉर्न में एक अच्छी सी कोटिंग आ जाए। जैसे ये वाइट जो दिख रहा है ये आपको नहीं दिखेगा, आपको उसको अच्छे से मिक्स करना है जिससे कॉर्न में अच्छी सी कोटिंग आ जाए। अगर आपको यहाँ पर कॉर्नफ्लोर कम लगता है तो और दोबारा से आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसमें अच्छी सी कोटिंग आ गई है कॉर्नफ्लोर में। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसको रख दिया है साइड पे। आप इसमें और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो मैं तो यहाँ पर इतना ही पसंद करती हूँ तो मैंने यही सब चीज़ें डाली हुई हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई को गरम कर लिया है इसमें ऑयल डाल करके। इसे मीडियम हॉट रखना है, ज़्यादा गरम नहीं करना। अगर आप ज़्यादा गरम करेंगे तो जो आप ये पीसेस डालेंगे कॉर्न के तो ये छटकने लगेंगे। तो फ्लेम यहाँ पर करना है लो टू मीडियम। लो टू मीडियम के लिए पे इसको आपको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। 1 से 2 मिनट बाद जब ये अच्छे से ऊपर से हल्के से ब्राउन से होने लगेंगे तब हम गैस का फ्लेम कर देंगे यहाँ पर हाई, जिससे ये काफ़ी कुरकुरे बनेंगे। तो बस आप इसी टिप को ध्यान रखिएगा कि आपको गैस का फ्लेम जब आप डालें तो लो मीडियम रखें जिससे ये छटके ना। तो देखिए आप एक भी जो कॉर्न है वो नहीं छटक रहा है। तो मैंने यहाँ पर पहले गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखा था, उसके बाद 2 मिनट बाद जब ये अच्छे से हल्के से ब्राउन होने लगे हैं लाइट ब्राउन से तो मैंने यहाँ पर गैस का फ्लेम कर दिया हाई। अब ये अच्छे से फ्राई करेंगे हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए। यहाँ पर ये बहुत ही क्रिस्पी हो चुके हैं तो मैं इसे निकाल लूँगी। तो मैंने यहाँ पर जो कॉर्न्स डाले हुए थे वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, उन्हें मैंने निकाल दिया है यहाँ पर। इसी तरीके से अब हम सेकंड बैच भी डाल देंगे। वही सेम तरीके से गैस का फ्लेम लो मीडियम रखना है और जब 1 से 2 मिनट हो जाएंगे, जब कॉर्न हल्के से ब्राउन होने लगेंगे लाइट ब्राउन से, तब हम गैस का फ्लेम कर देंगे हाई जिससे ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए मैंने दूसरा बैच भी डाल दिया है, अभी अच्छे से फ्राई होने लगे हैं तो यहाँ पर कर दिया गैस का फ्लेम हाई। हाई करने के बाद मैं इसको 1 मिनट के लिए और फ्राई करूँगी जिससे इस पर बहुत अच्छी सी क्रिस्पीनेस नजर आ जाएगी। ये बहुत अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो चुके हैं तो अब हम इसको निकाल लेंगे। अब मैं इसे निकाल रही हूँ यहाँ पर, तो ये अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। इसे निकाल करके हम टिश्यू पेपर पर रख देंगे जिससे इसका सारा ऑयल जो है वो निकल जाएगा। वैसे ये ऑयल पीते नहीं है, एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, बट मैंने इसको टिश्यू पेपर पर निकाल दिया है।
यहाँ पर सारे कॉर्न्स जो हैं फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं, तो आप इसको इसी तरीके से भी सर्व कर सकते हैं। मैंने इसमें हल्का सा नींबू निचोड़ा हुआ है, थोड़ा सा 3 से 4 ड्रॉप मैंने यहाँ पर नींबू डाली है, ज़्यादा नहीं डालना, 3 से 4 ड्रॉप मैंने नींबू डाली है, थोड़ा सा हरा धनिया कट करके डाला हुआ है और हल्का सा यहाँ पर डाला हुआ है चाट मसाला। मैं ज़्यादा मसाले प्रेफर नहीं करती क्योंकि इससे पहले से ऑलरेडी मसाले डले हुए हैं, तो ये ऐसे ही बहुत टेस्टी लगता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, मस्ट ट्राई रेसिपी है, और अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ आपको नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।